दोस्तों, किसी भी देश के लिए ये गर्व की बात होती है जब उसे G20 जैसे संगठन की अध्यक्षता मिलती है। इस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के नारे से एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के नारे से G20 संगठन को शक्तिशाली बनाना है। हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना है। हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना है। G20 प्रतीक चिन्ह भारत ध्वज के रंगों को दर्शाता है। अमन शांति एवं भाईचारे के संदेश को घर घर पहुंचाता है। G20 प्रतीक चिन्ह भारत ध्वज के रंगों को दर्शाता है। अमन शांति एवं भाईचारे के संदेश को घर घर पहुंचाता है। इन्हीं मूल्यों को सर्वोपरि रखकर जगत को एक सूत्र में लाना है। हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना है। इस वर्ष की अध्यक्षता भारत देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जगत तरक्की कर रहा है। भारत की सोच एवं विचारों को पूरे जगत में फैलाना है। हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना है। नारी सशक्तिकरण, तकनीकी सक्षम विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा की प्राथमिकता भारत कर रहा है। इन विषयों पर जन जन में जागरूकता को बढ़ाना है। हमें इस अभियान को आगे लेकर जाना है। अंत में इतना ही कहूँगा, एक कुटुंब एक पृथ्वी एक भविष्य के नारे से G20 संगठन को शक्तिशाली बनाना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।